नमस्कार, मैं प्रीति। एएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब लोगों को गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड़ी पाड़वा 2023 कई कारणों से खास रहा। कोरोना की तमाम बंदिशों को पार करके इस पर्व को मनाते हुए सभी के चेहरे पर जो खुशी दिख रही थी वो दिल को छू लेने वाली थी। इस साल 22 मार्च को मराठी नववर्ष चैत्र पाड़वा यानी गुड़ी पाड़वा मनाया गया। पूरे राज्य में ढोल नगाड़ों की थाप सुनाई दी। गुड़ी पाड़वा पर्व को लेकर महाराष्ट्र भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया था। इस आयोजनों और एक परंपरा के तहत मलाड में मालवणी परिसर में बीजेपी नेता ब्रिजेश सिंह के सहयोग से इस शोभा यात्रा का आयोजन किया। युवतियों, स्कूल की छात्राओं और वरिष्ठ नागरिकों ने भी ताल पर नृत्य किया। पारंपरिक परिधानों में सजे नागरिकों ने शोभा यात्रा में भाग लिया। युवक झांसी की रानी और छत्रपति शिवाजी महाराज के पोशाक में तैयार थे, जबकि सारी महिलाएं पारंपरिक नववारी पोशाक में इकट्ठा थी। शोभा यात्रा में ढोल ताशा पथक लेजिम नृत्य का भी मेल रहा। इस समय युवाओं को परेड के उत्साह में खुशी खुशी भाग लेते देखा गया। इस यात्रा में कुछ राजनीतिक नेता भी शामिल थे। इस शोभा यात्रा में बीजेपी के नेता गोपाल शेट्टी और मालाड पश्चिम के विधानसभा अध्यक्ष ब्रिजेश सिंह भी शामिल हुए। इस तरह गुड़ी पाड़वा की शोभा यात्रा मालाड के मालवणी परिसर में निकाली गई थी। ये शोभा यात्रा मालवणी माड़ा से शुरू होकर जनकल्याण नगर में समाप्त हुई। तो आइए सुनते हैं बीजेपी नेता ब्रिजेश सिंह की प्रतिक्रिया। आज हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में मालवणी से लेकर मालवणी 8 नंबर से लेकर 1 नंबर तक हिंदू नववर्ष की शोभा यात्रा निकली, जिसमें सभी सकल हिंदू समाज एक साथ में आया और 5000 के ऊपर की संख्या थी। इसमें सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मुसलमान भाइयों ने भी इसमें सहयोग किया और जगह जगह पर पानी और शरबत की व्यवस्था की। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज की जो यात्रा है उसमें हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी आए और उन्हें पूरी यात्रा में लोगों का उत्साह बढ़ाया और लोगों का विश्वास भी बढ़ाया कि जो मोदी जी का सपना है या जो उनकी नारा है कि सबका साथ सबका विकास, सबको साथ में लेकर चलने का, वह साकार होता हुआ हर गली और कूचे में भी दिख रहा है या इस यात्रा से प्रतीत होता है। तो आइए सुनते हैं शोभा यात्रा में शामिल हुई महिलाओं की प्रतिक्रिया। आज हम लोगों ने जो ये रैली निकाली है हिंदवी एकता मंच की, इसके अध्यक्ष ब्रिजेश सिंह जी है। आज पहली बार मालवणी में ऐसा दृश्य और इतनी पब्लिक, ये पहली बार इतने सालों में इतनी पहली बार ऐसा हुआ है। इतनी संख्या में रणरागिणी पहली बार आई है, क्योंकि हर नारी ये दुर्गा होती है, हर नारी ये जिजाऊ होती है, हर नारी ये झांसी होती है। और उन्होंने आज सिद्ध किया, आज उन्होंने सिद्ध किया झांसी बनके, उन्होंने सिद्ध किया दुर्गा बनके, उन्होंने सिद्ध किया जिजाऊ बनके कि हम भी किसी से कम नहीं, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वो मालवणी क्षेत्र है, जहाँ पे हम बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। लेकिन ऐसा मत समझो कि हम सुरक्षित नहीं है, हमारी सुरक्षा हम सब रणरागिणी खुद कर सकते हैं। इसलिए इतनी बड़ी संख्या में इसमें सभी महिलाओं ने चढ़ बढ़ के सहयोग किया और अपनी भूमिका दिखाने की कोशिश की कि हम भी दुर्गा है, हम भी जिजाऊ है, हम भी हर एक को लगता है कि शिवाजी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में शिवाजी हो, घर घर में संभाजी हो, ऐसी मेरी भूमिका है। और ये भूमिका हम सभी रणनागिनी हमारे अंदर शिवाजी महाराज की प्रतिमा हमारे हृदय में है और हमेशा रहेगी। हिंदवी मंच तर्फे मालवणीचा नववर्षाचं स्वागत खूप मोठ्या जल्लोषात करण्यात आलं। यामध्ये मालवणीच्या असंख्य महिलांनी भाग घेतला, लेझिम मध्ये हुरहुरीने पार्ट घेऊन सगळ्यांनी खूपच मस्त जल्लोष दाखवला। आणि यानंतरचाही कार्यक्रम आमचा असाच होणार जोशामध्ये। गुढी पाडव्याच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। शस्त्रास्त्र
शांत पारंगत राजनीति दुरंधर प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावंत सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज राजा शिव छत्रपति महाराजांचा राजा शिव छत्रपति महाराजांचा हर हर हर